खबर मोकामा थाना क्षेत्र के मोर स्टेशन के निकट से किशोर दीपक यादव दो दिन से रहस्य तरीके से लापता हुए, परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका है। गोसवारी पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही। बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को तारतर गांव का किशोर दीपक यादव पैसा निकालने मोर आया था, मगर घर नहीं लौटा। लापता युवक के पिता विनोद यादव को अपने पुत्र की हत्या की आशंका है। विनोद यादव का कहना कि मोर गांव के एक युवक से अदावत चल रही थी, इसी अदावत में दीपक यादव का अपहरण कर मौत के घाट उतार क्या शंका है। इस बाबत पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार का घटना सर। क्या पूरी बात बताइए। मैंने कि बोलो है मोर आया था सर बैंक के पैसा लेने के लिए, और वो कि बोलो है पद्म पासवान के घर पर सर कि बोलो साइकिल लगाया और बैंक पहुंच भी नहीं पाया सर, और वहां से वो लड़का गुम है सर। क्या हुआ है तो गुम है तो? तो गुम है सर, तब कि बोलो है अब तो हमको कि बोलो है थाना में आवेदन दिए थे। हाँ थाना में आवेदन दिए हैं सर। क्या लगता है आपको कि हत्या कर दिया गया आपका बच्चा का? तब तो हमको तो वही ना जैसा सर। तो घर परिवार सब खोज लिए, कहीं कोई पता नहीं चला? कोई कहीं पता नहीं है सर। क्या नाम है लड़का का? दीपक कुमार। कितना साल का है? मैंने 15-16 साल है सर, 16 साल लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।